नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल अंकित में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने, हमारे हाथ में दोस्तों यहाँ पे एक टुल्लू पंप है। और यह टुल्लू पंप जो है कूलर में रहता है, जो कि पानी ऊपर उठाता है और जो है उसके बाद आप लोग जो है आनंद हवा लेते हैं कूलर का। तो दोस्तों मैं इस मोटर को जो है बनाऊँगा, इसमें आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में कैसे आप जो है इसे बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों यह मोटर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है यहाँ पर पूरा जंग लग गया है, तो दोस्तों यह जो है ख़राब हो गया है। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो टुल्लू पंप का मोटर होता है वह जो है 70% तक जो होता है दोस्तों खराब नहीं होता है। जो 30% होता है वही जो खराब होता है। नहीं तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा टुल्लू पंप है तो आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर ही इसे थोड़ा सा जो है इसे काम करके इसको जो है बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसको जो है बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए मैं आप लोग को चेक करके दिखा देता हूँ कि यह सही है कि नहीं। नहीं तो आप लोग वीडियो के कमेंट में कहेंगे कि गलत बता रहा है, सही मोटर को जो है बना के दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बोर्ड है और इस बोर्ड में मैं आप लोग को जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ लाइट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो है चार्जर यहाँ पर जल रहा है, तो मैं इसमें जो है चेक करके आपको दिखाऊँगा कि यह मोटर चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ तो यह जो मोटर बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को बना कर दिखाऊंगा चला के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप इसे जो है अपने घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत से कारण होते हैं जिस वजह से यह जो है मोटर ख़राब हो जाता है। तो वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा क्या क्या प्रॉब्लम से यह जो मोटर होता है ख़राब होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो है जंग लग गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो बैक हिस्सा है जहाँ से यहाँ पे वायर गया है इसको आपको खोल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यह खुल गया है और यहाँ पे आपको वायर जो है अच्छी तरह से देख लेना है, कहीं आपका जो है वायर तो नहीं कटा हुआ है। नहीं तो दोस्तों वायर कटा होगा तो आपका मोटर तो वैसे ही नहीं चलेगा। तो आप देख लें कि आपका मोटर में जो वायर है उस मोटर में वायर कहीं नहीं ना कटा है। तो मैं यहाँ पे जो है वायर अच्छी तरह से देख लेता हूँ और हमारा जो वायर है बिल्कुल सही है और इसका जो सील है दोस्तों वो भी बहुत ही परफेक्ट है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपके जो मोटर होगा उसके यहाँ पे सामने एक जाली लगा होगा और यहाँ पे उसका जो है कवर लगा होगा। तो आपको कवर को खोल देना है और जैसे आप खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है एक ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने लॉक लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर हल्का सा इसे जो है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको हल्का सा जो है आपको यहाँ पे घुमाना है और जैसे आप घुमाएंगे तो आपका जो यहाँ पे इसका कैप होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा जो कैप है ओपन हो गया है और इसके दोस्तों अंदर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर साइड में रख देता हूँ और साइड में रखने के बाद यहाँ पर आपको यह जो पिन दिख रहा है आपको यहाँ से खींचना है। दोस्तों मैं पिन यहाँ पर पकड़ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं निकल गया एक मोटर यहाँ पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं इसमें जो है कितना सारा जंग लगा हुआ है, इसीलिए हमारा यह जो मोटर है चल नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें को कैसे बनाया जाता है। अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है जंग लगा हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले अंदर इसका जो रोटर होता है इसमें जो भी जंग लगा हुआ है आपको यहाँ पर छुड़ाना है। तो मैं अपने टेस्टर से जो है हल्का हल्का यहाँ पर देख सकते हैं अंदर बहुत सारा जो है जंग लगा हुआ है, मैं यहाँ पर इससे जो है हल्का हल्का छुड़ाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर हमारे नए हैं और इसी तरह का इलेक्ट्रिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं जो है सारा जो है साफ़ कर लेता हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप अंदर देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर जंग लगा हुआ है, इसीलिए हमारा जो टुल्लू पंप का मोटर होता है इसके अंदर जो है पानी जाने से आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर कचरा निकल रहा है। और दोस्तों हमारे घर में जो दोस्तों हमारे घर में जो होता है कूलर, उसमें जो है जंग लगने के पानी में रहता है दोस्तों यह 24 घंटा, इसीलिए इसमें जो है जंग लग जाता है और हमारा जो यह मोटर है दोस्तों चलता नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप बना सकते हैं। इसी तरह से आप भी अपने घर पर भी, कोई भी अगर आपके घर टुल्लू पंप ख़राब होता है मोटर का कूलर का, तो आप बहुत ही आसानी से जो है बना सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो है इतना ज़्यादा दोस्तों कचरा निकल रहा है, तो इसी कचरे की वजह से यह जो आपका टुल्लू पंप होता है नहीं चलता है। तो इसको आपको जो है अच्छी तरह से साफ करना है।
दोस्तों मेरे चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक बहुत सारा जो है वीडियो मिल जाएगा, आप जाके हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। और कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप इसी तरह का जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आपका कोई भी दोस्त हो तो आप उसके पास यह वीडियो आसानी से व्हाट्सअप, फेसबुक या दोस्तों कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा यहाँ से अंदर से निकला है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल जो अंदर का हिस्सा है यहाँ पे जो भी रोटर है यहाँ पे जो है साफ़ हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको रख देना है साइड में, इसको भी आपको जो है अच्छी तरह से साफ़ कर देना है और इसको साइड में रख देना है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके सामने से जो मोटर छोटा सा निकला है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है कितना ज़्यादा जो है जंग पकड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसे हाथ से आप दोस्तों हाथ से नहीं साफ कर सकते हैं, इसलिए आपको लेना है रेगमार्क, जो कि 100 नंबर का आपका रेगमार्क लेना है, और आपको इसे जो है हल्के हाथ से ऐसे ऐसे कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर साफ़ कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं कितना ज़्यादा जंग यहाँ पे पकड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे सारा जो है हल्के हाथ से जो है यहाँ पे साफ़ कर देता हूँ। और आपको दोस्तों मैं मोटर लास्ट में जो है चला के दिखाऊंगा, और आप भी इसी तरह से बहुत ही आसानी से अपने घर पर ही, अगर आपके घर पर कोई भी टुल्लू पंप ख़राब होता है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारे जो मोटर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें जंग पकड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों यह जो कूलर में लगा था 2-3 साल पहले से ही लगा था, और कूलर में आप तो जानते होंगे अक्सर करके जो है पानी रहता है, और पानी के ही वजह से दोस्तों जो हमारा होता है कूलर उसमें इसमें टूल पम्प में जो है पानी जो है अंदर चला जाता है और यहाँ पर जो जंग पकड़ लेता है। और धीरे धीरे दोस्तों यह जो मोटर है पहले तो शुरू में आवाज़ करेगा, उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे अगर आपका मोटर जो है जब तक चलेगा कूलर आपका तब तक तो सही रहेगा, लेकिन जब आपका कूलर बंद हो जाएगा उसके बाद अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो यहाँ पे है कूलर वह इसका टूल पम्प वह चलेगा नहीं। दोस्तों देख सकते हैं कितना सारा कचरा यहाँ पे निकल रहा है, मैं इसको जो है अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे जो है साफ़ कर रहा हूँ, और जैसे ही साफ़ होता है उसके बाद मैं मोटर में बांध दूंगा और आपको दिखाऊंगा चला के अपना मोटर। अगर आपके घर में भी इसी तरह का जो है टूल पम्प फेंका हुआ है, फेंका गया है, तो आप बहुत ही आसानी से जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो रोटर है बिल्कुल साफ़ हो गया। अब आपको क्या करना है, आपके घर में कोई भी तेल हो आपको लेना है, और इसमें आपको थोड़ा सा जो है तेल जो है छोड़ देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे तेल छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है बहुत ही इस जो है अच्छी तरह से यहाँ पर स्मूथ हो रहा है, और पहले दोस्तों जाम था इसलिए नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पर अच्छा जो है तेल छोड़ देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें भी थोड़ा सा तेल छोड़ना है, जैसा कि मैं देख सकते हैं थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूँ, और आपको यहाँ पे जो है उंगली से दोस्तों आपको चारों तरफ यहाँ पे जो है तेल को मिला देना है, या कोई भी कपड़ा लेके आप जो है मिला सकते हैं। इसके बाद आपको इस रोटर को दोस्तों यहाँ पे जो है आसानी से डाल देना है। तो दोस्तों जिस तरह से टुल्लू पंप को जो है रिपेयर किया जाता है, और जो तरीका है मैंने आपको दिखाया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से अब जो है यहाँ पे मूव कर रहा है, पहले यहाँ पे जो है मूव नहीं कर रहा था, लेकिन कोई गारंटी नहीं है दोस्तों
दोस्तों कि आपका जो मोटर हो इस तरह से जो है बनाने से चलने लगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया है, केवल दोस्तों 70% जो फैन होता है, जो यहाँ पे टुल्लू पंप होता है, सही होता है। अगर 30% जो होता है जो कि बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जो कि 4 साल 5 साल जो है लगे हुए हो जाता है। अगर कोई भी मोटर ऐसा टुल्लू पंप 4 साल 5 साल किसी भी कूलर में लग जाता है और वह ख़राब होता है दोस्तों, कोई भी आशा नहीं रहता कि वह बन पाएगा। तो मैंने इस जो है मोटर को बना लिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको जो है मूव कर रहा हूँ तो जो है आसानी से मूव हो रहा है। तो चलिए आपको जो टेस्ट करके दिखाते हैं बिजली में कि यह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और दोस्तों चलेगा तो मैं आपको बताऊँगा ऐसे आप जो बहुत ही आसानी से इसी तरह से बना सकते हैं। अगर आपका मोटर या मोटर नहीं चलता है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कारण से यह मोटर ख़राब हो सकता है और यह मोटर जो है नहीं बन पाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी मूव जो है नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो है मोटर जो है चल नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मोटर चल नहीं रहा है, यानी हमारा जो मेहनत है, मैंने इतना मेहनत किया जो भी जो है सारा जो है मेहनत बर्बाद हो गया है। हमारा जो है टुल्लू पंप है जो है सही नहीं है। दोस्तों अगर आपके घर में जो भी टुल्लू पंप होगा अगर सही होगा तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से चलेगा। जैसा कि आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, सारे जो है चलते हैं। तो हमारा जो है टुल्लू पंप है दोस्तों जो लगभग जो है 5 साल पुराना, इसलिए यहाँ पे जो है यह बिल्कुल ही दग हो गया है। और हमारा यहाँ पे टुल्लू पंप मैंने जिस तरीके से बनाया, रिपेयर किया, यहाँ पे ओपन जो है नहीं हो रहा है और यहाँ पे चल नहीं रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किन किन कारणों से यह ख़राब होता है आपका टुल्लू पंप। तो सबसे पहले जो टुल्लू पंप ख़राब होता है दोस्तों, अगर आपका वायर कहीं कट गया तो जो है टुल्लू पंप जो है ख़राब हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से वायर को चेंज करके अपना जो है टुल्लू पंप बना सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर आपके मोटर में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, अगर यहाँ से कोई भी जंग खाया रहेगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत रहेगा, तो आप बहुत ही आसानी से मैंने जिस तरह से बताया है उस तरीके से यहाँ पे रिपेयर करके अपने टुल्लू पंप को बना सकते हैं। और दोस्तों तीसरा जो कारण है, इसके अंदर जो भी मशीन लगा हुआ है अगर वह जो है अंदर से ख़राब हो जाता है तो कोई भी इस टुल्लू पंप को बना नहीं पाएगा। जैसा कि इस टुल्लू पंप में यही हुआ है, इसका जो अंदर जो है मोटर लगा होता है वह जो है रोटर होता है, जो कि यहाँ पे आर्मेचर रोटर देता है, वही जो है ख़राब हो जाता है तो यह नहीं बनता है। तो इसका जो रोटर है दोस्तों ख़राब हो गया, इसलिए यह नहीं बन पाया है। लेकिन अगर आपके जो है मोटर में इससे जो है कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको जो है सही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछने या बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वो आपका दिन शुभ हो।